subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छिंदवाड़ा जिले में मेडिकल अस्पताल में मरीजों को निजी अस्पताल जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं डॉक्टर। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान रो पड़ा पीड़ित। पीड़ित ने बताया कि डॉक्टर मनन गोरिया और उनके पिता डॉक्टर जेएस गोरिया, जो कि स्वास्थ्य अधिकारी हैं, दोनों ने मिलकर मुझसे हजारों रुपए लूटे हैं। पीड़ित ने रोते हुए यह भी कहा कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी गरीब के साथ ना हो। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज के लिए आशीष मालवीय की रिपोर्ट। ऐसी हिचकी आती थी कि ऐसे लग रहा था कि इनके प्राण निकल जाएंगे। जनता काटेगा, इकलौता बस स्टेट का निवास है। मेरे को शिवरात्रि के दिन घर में थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन मैं 5 तारीख को सरकारी हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए आया, क्योंकि मैं अति गंभीर हो गया था। मेरी पत्नी के साथ आए क्योंकि मुझे चक्कर वगैरह मार, तो हमने बाकायदा भर्ती होने की पर्ची बनवाई जिसका प्रमाण सब रखा हुआ है। हमने डॉक्टर गोगिया साहब को दिखाया, उन्होंने बाकायदा मुझे देखा, उन्होंने बोले आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं, मैं गोली दे देता हूँ और आप कल सुबह मेरे घर आ जाना, आपकी एंडोस्कोपी करके चेक कर लिया जाएगा कि क्या है। पैसे दिए, मैं चाहता हूं कि आप भाइयों से मेरे आंसू निकलने लगे कि बचाओ इस जिले को, ऐसे लोगों से बचाने की कोशिश करो। मैं इसको जबकि कुछ नहीं है चैलेंज कर रहा हूं। मेरे पास ये देखिए मदन का अपने जी का पूरा रंगा है, बोले आपको एंसर कैंसर नहीं है, बस ये आपका वो हो जाता है। लेकिन अब मैं बार बार में आपको तो नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने लूट बचा ली, अच्छी बात नहीं है। गरीबों को बचाओ भैया।